राजस्थान के सरपंच 5 अगस्त से जयपुर के न्यू संगानेरी रोड मानसरोवर में धरने पर बैठे हुए हैं। महापड़ाव करते हुए सरपंच अपनी 36 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कल 5 अगस्त को प्रथम चरण की वार्ता के दौरान सरकार की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर पीसीसी सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने सरपंचों के साथ वार्ता की। वार्ता के दौरान कई बातों पर सहमति बनी तो कहीं पर असहमति बनी। इसके बाद आज राजस्थान सरपंच संघ के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पंचायत विभाग के विभिन्न अधिकारियों से सचिवालय में वार्ता की। अपनी 36 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारियों से एक एक मांग पत्र पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज भी सहमति नहीं बन पाई। सरपंचों का महापड़ाव जारी है, पूरी तरह सफल नहीं है। वार्ता का दौर एक दौर आज हुआ है, कल भी हो सकता है एक दो दौर हो। हम आज जो वार्ता हुई है, हमारे जो 5,000-7,000 साथी जो बैठे हुए हैं, हम उनके बीच में जाके आज का निष्कर्ष निकालेंगे, हम उनसे फीडबैक लेंगे, उनके विचार जानेंगे और उसी के बाद कोई अंतिम निर्णय पे पहुंचेंगे। अभी ये अंतिम निर्णय का समय नहीं है। आज हमारी वार्ता जो रही है वो हम मानते हैं कि कुछ सफल है, मगर पूरी तरह सफल नहीं है। ये तनाव खत्म हो, ये टकराव नहीं हो, मान सम्मान सबका बना रहे, सरपंचों का भी और सरकार का भी और मंत्री का भी। हम चाहते हैं कि ये हमारी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, जो गांव और गरीब के विकास के लिए बनाई है, जो योजना सरकार बनाती है उसको हम गांव में इम्प्लीमेंट करते हैं, मगर हमको बीड़ियों में जकड़ दिया गया है नियमों के तहत। हम चाहते हैं कि उन नियमों में शिथिलता आए ताकि गाँव का विकास जो रुका हुआ है वो तीव्र गति से आगे बढ़े। चुनावी साल आने वाला है, सरकार को भी अपनी परफॉर्मेंस चाहिए। करोड़ों रुपए ग्राम पंचायत के खातों में पड़ा हुआ है, मगर नियमों के कारण, नियमों की जटिलता के कारण वो पैसा हम खर्च कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि जो मांगों पे हमारी सहमति बनी है उनके आदेश हमको तुरंत दें और बाकी मांगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें मैंने हमारे पंचायत राज के मंत्री रमेश मीणा जी भी रहे, सब अधिकारी रहे और उनके साथ में हमारा समझौता हो, वो आश्वस्त करें मीडिया के सामने जाके, हमारे सामने आके कि हम गांव और गरीब की जो सरकार है, गांव की सरकार है, उसकी हर मांगे मानने के लिए तैयार है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती महापड़ाव जारी रहेगा। हमारी किसी से कोई द्वेषता नहीं है, किसी से कोई व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हम हमारे हक मांग रहे हैं जो हमें संविधान में दिए हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत।